दोस्तों ये ब्रेकिंग न्यूज है कि फैसला आया है कि अलीगढ़ जामिया CUCT इस साल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यानी जो CUCT के एग्जाम होने वाला है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसका पार्ट नहीं होगी अलीगढ़ और जामिया। ये फैसला आया है, सीमा शर्मा जी ने 25 जनवरी को ये रिपोर्ट छापा है अमर उजाला में। तो ये अमर उजाला की न्यूज़ है, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्या कारण बताया वो भी मैं बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों देख सकते हैं ये आया है फैसला, अलीगढ़ जामिया ये कह रही है कि CUCT में नहीं होंगे शामिल, हम लोग शामिल नहीं होंगे। क्यों नहीं शामिल होंगे? कहा कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है, मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, यानी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है कि ये दोनों इंस्टीट्यूट जो है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है। लेकिन सरकार कहती आ रही है कि नहीं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, अगर सरकार से फंडिंग आपको मिलती है तो आप सिर्फ माइनॉरिटी को क्यों देखेंगे, आप मेजोरिटी को भी देखिए, माइनॉरिटी का भी देखिए, सबका साथ सबका विकास वाला मामला है सरकार का। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी बहुत दूरदृष्टि वाले हैं, बहुत रिसर्च एंड एनालिसिस वाले हैं, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, अभी जो जिस मकसद से अलीगढ़ बनाई गई थी, जिस मकसद से जामिया बनाई गई थी, उसका था कि जो लोग माइनॉरिटीज़ में हैं, जो इस मेन स्ट्रीम में नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उन तबका के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए यह संस्था बनी थी। तो जो न्यायालय है, कोर्ट, आपको पता ही है कि दोनों साइड देखती है, वो सरकार के साइड भी देखती है और इंस्टीट्यूट्स। तो अब किसको क्या क्या कहना है ये देख लीजिए। नजमा अख्तर जी ने, जो कि जामिया के कुलपति हैं, यानी शेखुल जामिया है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम लोग जैसे पिछले साल एग्जाम ले रहे थे उसी तरह इस साल भी एग्जाम लेंगे। जामिया अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है, इसका मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है, इसीलिए फिलहाल कोई बदलाव नहीं हो सकता। वही कुलपति के रूप में मैं सरकार और UGC पे कोई फैसला नहीं सुना रहूंगी, नहीं थोपूंगी। अगर सरकार चाहेगी, UGC चाहेगी, तो कोर्ट जो भी डिसाइड करेगा, फिर हम जामिया एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एकेडमिक काउंसिल दोनों मिलकर विचार करेगा। तो प्रोफेसर नजमा अख्तर कुलपति जी ने साफ कह दिया कि हम लोग CUCT के इस साल पार्ट नहीं होंगे। अब अलीगढ़ की बात कर लेते हैं। तो अलीगढ़ के प्रोफेसर एम शफी किदवई, जो कि प्रवक्ता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का, उन्होंने कहा कि देखिए, अदालत में मामला है, हमारा भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो इसलिए हम लोग भी CUCT 2022 के हम लोग पात्र नहीं होंगे, हम लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। जैसे पिछले साल हम लोग टेस्ट लेके अपना खुद का टेस्ट लेते थे, उसी तरह हम लोग अपना टेस्ट लेंगे। तो आपने देख लिया, जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, दोनों अमर उजाला के न्यूज है। दोनों अभी हाल फिलहाल एकदम ताज़ा खबर है कि दोनों ने कह दिया कि CUCT 2022 में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम लोग जैसे पिछले साल टेस्ट लेते आ रहे हैं वैसे लेते रहेंगे। अगर मामला कोर्ट में चलता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को क्या फैसला होगा उसके बाद हम लोग विचार करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का अभी तो कुछ फैसला आया ही नहीं है, सरकार अभी तो बहुत सारे चीज़ों में उलझी हुई है, यूपी का इलेक्शन है और सब राज्य के इलेक्शन में, तो ये अलीगढ़ जामिया पे तो अभी कोई फैसला तुरंत होने वाला तो है नहीं। तो जैसे होता था पहले भी टेस्ट वैसे ही होगा, ये आपको अमर उजाला की सीमा शर्मा जी ने 25 जनवरी को न्यूज़ अमर उजाला में छापा है, आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये सब मसला है, तो इसलिए आप लोग जैसे पिछले साल तैयारी कर रहे हैं तो उसी तरह तैयारी कीजिए। आप लोग क्लास 6, 9 और 11 का अपने एप्लीकेशन पे, TVIT एप्लीकेशन ऐप पे तो तैयारी करवा ही रहे थे पिछले साल से, वैसे इस साल भी होगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको डाउनलोड कीजिएगा, चाहे आप खुद का टेस्ट की तैयारी कर रहे हो या आपके फैमिली में कोई और है उसको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय एबी जामिया।